नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड ब्यूटिक से और आज मैं आपको बताऊंगा इस पैनल लहंगे के बारे में। इसको कली वाला लहंगा भी बोलते हैं। 12 पैनल के साथ मैंने इसको बनाया है। 4 मीटर फैब्रिक में मैंने ब्लाउज और लहंगा दोनों बनाया है। तो कम फैब्रिक में हम अपना कैसे पैनल वाला लहंगा बना सकते हैं, इसके बारे में पूरा वीडियो मैंने बनाया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए करते हैं अब कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बात। तो आज जो हम पैनल वाला लहंगा बना रहे हैं उसमें लेंथ है हमारे 40 और कमर है हमारे पास 36 प्लस 2 इंच हम लूज रखेंगे तो 38 को जब 12 से डिवाइड करते हैं, हमारे 12 पैनल है तो आता है 3.1 प्लस 0.75 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे दोनों तरफ के, तो हमारा हो जाएगा 4 इंच से थोड़ा कम एक पैनल के लिए। और नीचे जो हमारा सर्किल बनेगा उसकी लेंथ रखूँगा मैं पैनल में 13 इंच, क्योंकि 4 मीटर फैब्रिक में हमें लहंगा और ब्लाउज दोनों बनाना है। तो नीचे की चौड़ाई जितनी ज़्यादा होती है हमारा लहंगा उतना ही अच्छा बनता है, लेकिन 4 मीटर फैब्रिक में बनाना है तो मैं मैक्सिमम 13 इंच रख पाता हूँ। ठीक है, इस तरह हम कटिंग करेंगे। तो हमारे लहंगे की लेंथ है 40 तो हम 39 पे कटिंग करेंगे। ये 39 पे मैंने मार्क किया है ऊपर से, और ऊपर का हमें एक पैनल में लेना है 4 इंच से थोड़ा सा कम, तो 2 इंच से थोड़ा सा कम पे मैंने ये मार्क किया है और 1/2 इंच इसको ऊपर की तरफ राउंड दिया है। दोस्तों ये राउंड जो बनाते हैं वो हमारी फिटिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं बनाता हूँ। फिर यहाँ से हमें हमारी लेंथ इस तरफ भी चेक करनी है, 39 ही करनी है। ठीक है, और नीचे का जो मार्क है मेरा, हमें एक पैनल की लेंथ लेनी है 13, तो उसका 1/2 6.5 पे मैंने मार्क किया है, फिर इसको मिला दिया है। इस तरह हम कटिंग करेंगे। तो ये पैनल की कटिंग हमने इस तरह से की थी डबल में, अब हमें इसको सिंगल कर लेना है। ठीक है, तो हमारा ये ऊपर का राउंड 4 इंच से थोड़ा सा कम रह जाएगा, और इस तरह अगर हम लगाएंगे तो हमारा ये फैब्रिक वेस्टेज जाएगा। तो कम फैब्रिक है हमारे पास, इसलिए हम इसको पलट देते हैं, बिल्कुल अपोजिट साइड कर देते हैं और इस तरह कटिंग कर लेते हैं, तो इससे हमारे फैब्रिक की बचत होगी। ठीक है, फिर जब हम अगला पैनल कटिंग करेंगे तो वो फिर इसके अपोजिट साइड रख कर हम कटिंग करेंगे, तो इस तरह हम अपने सभी 12 पैनल की कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से मैंने अपने फैब्रिक को लगाए हैं 4 मीटर लंबाई पे पूरा, क्योंकि हमें अपने पैनल की सभी की 12 पैनल की कटिंग करनी है। और आपको दिख रहा होगा ये साइड से प्लेन हिस्सा भी है थोड़ा, तो हमें इसको अपने लहंगे में नहीं लेना है वरना लहंगा अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। मैं सारे पैनल लगाता हूँ, थोड़े लंबाई में हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम अपने कम फैब्रिक में सभी पैनल की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने अपने सारे पैनल लगाए हैं, आपको दिख रहे होंगे थोड़े आगे पीछे करके इन पैनल्स को, क्योंकि अपने जो साइड में प्लेन हिस्सा है मेन फैब्रिक में, वो अपने अगर लहंगे में आएगा तो लहंगा अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने एडजस्ट करते हुए अपने सभी 12 पैनल्स को लगाया है। और बीच में ये जो फैब्रिक बचा है इसमें अपने ब्लाउज बन जाएगा, तो इन सब पैनल्स की मैं कटिंग करूँगा। तो इस तरह से हमें अपने सभी पैनल की कटिंग कर लेनी है। 4 की कटिंग मैंने कर ली है, 8 पैनल जो हमारे लगाए हुए हैं उनकी कटिंग हम और कर लेंगे। तो हमने जो अपने 12 पैनल कटिंग किए थे वो सारे मैंने
लाइनिंग के साथ रख लिए। ये नीचे लाइनिंग है, उसके ऊपर अपना पैनल है, और ये अपनी मेन फैब्रिक है, और ये कॉटन लाइनिंग है, ये दूसरा पैनल है। इनको हम एक साथ भी जॉइंट कर सकते हैं और फिर साइड में इंटरलॉक बना सकते हैं, लेकिन मुझे आज इस तरह से नहीं बनाना है। मैं इनको पैकिंग बनाऊंगा सारे पैनल्स को। तो हमें करना है अपने दूसरे एक जो अपना पैनल है कॉटन लाइनिंग और साथ में है, तो दूसरे पैनल का मेन फैब्रिक हमें उल्टी साइड रख लेना है इस तरह से, और कॉटन लाइनिंग अपने नीचे की तरफ रख लेनी है। ठीक है, तो नीचे की तरफ अपने दो कॉटन लाइनिंग हो गई और फिर दो मेन फैब्रिक हो गए, एक सीधा है एक उसके ऊपर उल्टी साइड से रख लिया है इस तरह से, और हमें स्टिचिंग करनी है बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर करके फिनिशिंग का हमें ध्यान रखना है और हमें स्टिच करना है। ठीक है, मैं स्टिच करता हूँ। ये अपने स्टिचिंग हो गई है। ठीक है, और अब हमें अपने पैनल को इस तरह से निकाल लेना है इस तरफ। तो अपने दोनों पैनल हो गए, पैकिंग हो गई है, स्टिचिंग हो गई है, और कॉटन लाइनिंग को भी नीचे से हमें इस तरफ कर लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अपना फ्रंट है, और ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अपना बैक है। जिस तरह से हमने अपने दो पैनल को जॉइंट किया है, उसी तरह हमारा ये तीसरा पैनल है, इसको हमें जॉइंट करना है। तो इस पैनल को हमें इस पैनल पे उल्टी साइड से रख देना है, ये अपने सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, और कॉटन लाइनिंग को नीचे की तरफ रख देना है। उसी तरह दो कॉटन लाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद अपना मेन फैब्रिक होगा सीधी साइड, और फिर ये अपना मेन फैब्रिक होगा उल्टी साइड। इस तरह से चारों फैब्रिक को बराबर रख के हमें स्टिच करना है। तो इस तरह से हमारा अगला पैनल भी जुड़ गया है बिल्कुल फिनिशिंग की साइड, और इस कॉटन फैब्रिक को भी हमें अंदर की तरफ कर लेना है वापस बाहर की तरफ। तो इस तरह से हमारे सारे पैनल जॉइंट होते जाएंगे। फ्रंट से पैक है, और मैं आपको दिखाता हूँ बैक से भी अपने पैक है, सारे पैनल बराबर कटिंग किए हुए हैं हमारे। तो इसमें हमें इंटरलॉक निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारे सारे पैनल जॉइंट होते जाएंगे। कि मैंने अपने सारे पैनल को जॉइंट कर लिया है, पूरा सर्किल अपना बन गया है। मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अपने सारे पैनल की स्टिच बिल्कुल बराबर हो गई है, क्योंकि हमने कटिंग बराबर की थी कॉटन लाइनिंग की। मैं पलट के आपको कॉटन लाइनिंग की तरफ से भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपने कॉटन लाइनिंग की तरफ से आपको दिखाया है, इस तरफ से भी अपने पूरा पैक है। तो इस तरह से जब हम अपना लहंगा बनाते हैं कली वाला, तो बहुत ही अच्छा बनता है, और इसमें इंटरलॉक की ज़रूरत भी नहीं रहती, बहुत फिनिशिंग रहती है। नीचे की तरफ दोस्तों, यहाँ पे अपना ये ओपन है, इस साइड से खुला हुआ है। ठीक है, अगर आप बिगेनर्स हो और चाहते हो तो यहाँ पर भी आप एक स्टिच कर सकते हो हाथ से या मशीन से, जैसे चाहो। और वरना हम जब फ्यूजिंग पट्टी लगाएंगे नीचे, तो अपने ये साइड पैक हो जाएगी। हमने बिल्कुल बराबर कटिंग किया था, तो ये बिल्कुल बराबर है, लेकिन अगर आपका फैब्रिक फैलने वाला हो और थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाए वहाँ से, तो उसको आप कटिंग करके बराबर कर लीजिएगा। तो अब मैं इसके नीचे फ्यूजिंग पट्टी लगाऊँगा। अपना पूरा सर्किल है, ये अप्रोक्स 150 इंच बना है, 4 मीटर से ज़्यादा का सर्किल है, क्योंकि हमने अपने नीचे के हर पैनल की चौड़ाई 13 इंच ली थी। तो अप्रोक्स 144 अपना ये बन के तैयारी हुआ है। ठीक है, तो उतनी फ्यूजिंग पट्टी लगाऊंगा मैं, 2 इंच चौड़ाई की आपको दिखाता हूँ। मेरे पास फ्यूजिंग पट्टी है, आप बुकरम लगाना चाहो तो बुकरम भी लगा सकते हो,
अगर मैं राउंड में लगाता हूँ अम्ब्रेला लहंगा होता है हमारा, तो मैं बुकरम ही लगाता हूँ राउंड में कटिंग करके। लेकिन ये हमारा पैनल गाउन है, सॉरी पैनल वाला लहंगा है, तो अपने बिल्कुल स्ट्रेट है पैनल नीचे से, तो इसमें सीधी पट्टी लग जाएगी। तो 144 इंच लंबाई में मैं इसकी कटिंग करके ये फ्यूजन पट्टी लगाऊंगा नीचे। लाइनिंग में बचा हुआ फैब्रिक है उस पर मैं लगाऊंगा 1/2 इंच के अप्रोक्स इधर छोड़ के, ताकि अपना जो लहंगे में जब जॉइंट करेंगे तो ये फैब्रिक स्टिच हो जाएगा। तो अपने एक सिंगल स्टिच में ये पट्टी लग गई है, इतना मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा रखा था साइड स्टिचिंग के लिए, और इधर वाला मार्जिन हम ऊपर की तरफ फोल्ड करके एक स्टिच और कर देंगे। ठीक है, इस तरह से अपनी ये पट्टी बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसको लहंगे पर लगाऊंगा। अब मैं इस पर अपने जो फ्यूजिंग पट्टी बनाई है वो लगाऊंगा। जितना मार्जिन हमने एक्स्ट्रा रखा था वो हमें उसके बराबर स्टिच करनी है, फ्यूजन पट्टी को इसके साथ अटैच नहीं करना है, और जितना मार्जिन रखा है उस पर हमें स्टिच करना है। ठीक, देखिए दोस्तों आपको आसानी से दिख रहा होगा, ये मैं चौक से मार्क कर रहा हूँ, ये अपनी स्टिच है, यहाँ पे हमें स्टिचिंग करनी है इस तरह से पूरे सर्किल पे, और फिर फ्यूजन पट्टी अपने अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, तो डबल स्टिच में हम इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, तो आपको दिख रही होगी दोस्तों, मैंने ये मार्क करके दिखाया था कि अपने फ्यूजिंग पट्टी लग गई है इसमें सिंगल स्टिच में। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे पूरा, और बाहर 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ के हम एक स्टिच कर देंगे। इसमें दोस्तों हमें फिनिशिंग का ध्यान रखना है बिल्कुल, पट्टी बाहर की तरफ दिखनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस स्टिचिंग के बाद में एक स्टिचिंग हमें यहाँ करनी है लास्ट की तरफ अपने। ठीक है, ये स्टिच की जगह आप हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं, मैं मशीन से करूँगा। तो हमारा सर्किल बनके तैयारी हो गया है, अब हम इसकी साइड स्टिचिंग करेंगे और चेन लगाएंगे। तो चेन के लिए अप्रोक्स 6 इंच मार्जिन हमें छोड़ के नीचे से साइड स्टिचिंग करनी है। साइड स्टिचिंग होने के बाद दोस्तों इस पर हम इंटरलॉक कर सकते हैं, या अपने कॉटन फैब्रिक की एक्स्ट्रा पट्टी बची हुई है तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इंटरलॉक निकालूंगा, उसके बाद हम चेन लगाएंगे। वेस्ट से एक्स्ट्रा अपने जितना मार्जिन होता है 1/2 इंच या 1/2 इंच से थोड़ा कम, तो उतना मैंने इंटरलॉक कर लिया है, अंदर की तरफ फोल्ड करके हम स्टिच कर देंगे चेन को। चेन लगने के बाद अब हम बेल्ट लगाएंगे। मैं आपको अपनी वेस्ट चेक करके बता देता हूँ, हमारी 38 हमें रखनी है लूज सहित। और ये देखिए दोस्तों 19 आ रहा है अपना पूरा, तो 38 अपनी वेस्ट बनेगी, क्योंकि हमने कटिंग बिल्कुल बराबर की थी। तो मैंने बेल्ट कटिंग कर लिया है, हमें अपनी वेस्ट है 38 लूज सहित।
तो ये मैंने 41 का कटिंग किया है लंबाई में। मैं थोड़ा बड़ा कटिंग करता हूँ और चौड़ाई मैंने इसकी रखी है 4.5 हाफ इंच। मैं एक तरफ से फोल्ड कर लूँगा, उसके बाद अपना ये बेल्ट 4 इंच तैयारी रहेगा। बेल्ट हमें सीधी साइड रखना है और उस पर लहंगा भी अपना सीधी साइड रखना है। थोड़ा सा मैं आगे की तरफ एक्स्ट्रा रखता हूँ, पहले फोल्डिंग नहीं करता इसको, और अब इस पर हम स्टिच करेंगे। तो ये अपने सिंगल स्टिच हो गई है। बेल्ट भी हमने सीधा रखा था और ऊपर लहंगे को भी सीधा रखा था। अब हम अपने बेल्ट को ऊपर की तरफ कर लेते हैं और बाहर की तरफ जो मार्जिन हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम एक स्टिच कर देंगे इस पर, तो अपने क्या यहाँ पर फिनिशिंग रहेगी, धागे निकलते हुए नहीं रहेंगे। ठीक है, इस तरह से स्टिचिंग करने से दोस्तों अपने यहाँ पे फिनिशिंग रहती है। अब मैं इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके एक स्टिच कर देता हूँ, तो अपना लहंगा बनके तैयारी हो जाएगा। ठीक, तो ये फाइनल स्टिचिंग के बाद दोस्तों अपना लहंगा बनके तैयारी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा लग रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही कम फैब्रिक में मैंने ये ड्रेस बनाई है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।